नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडलैब चैनल। आज का दोस्तों वीडियो है, वो है दोस्तों फेवरिक 40 का टैबलेट का आज की पूरी रिव्यू देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका यूज क्या है, कंपोजिशन क्या है और इसकी यूज कैसे किया जाए और इसकी यूज करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम से दोस्तों आपको आराम मिल जाएगी, ये सारे की जानकारी दोस्तों मिल जाएगी आप लोग इस वीडियो में। तो बिना इसके करके दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों गौर कर लेते हैं, जो फेवरिक 40 टैबलेट है तो इसका सॉल्ट क्या है दोस्तों। इसमें जो एक ही सॉल्ट आपको मिलता है वो है फेवोस्टेट। इस फेवोस्टेट टैबलेट का ये जो सॉल्ट है दोस्तों, ये फेवोस्टेट है। फेवोस्टेट सॉल्ट का दोस्तों आप इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, आइए उससे पहले दोस्तों एक बार गौर कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में। दोस्तों ये देख लीजिए, ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप में मिलता है जिसका प्राइस है 107 रुपया। तो 107 रुपये में दोस्तों 40 टैबलेट का खरीद के दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टैबलेट है ये अजंता फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक बेस्ट प्रोडक्ट है और अजंता का दोस्तों प्रोडक्ट आपको इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में दोस्तों आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना एकदम जरूरी है, विदाउट डॉक्टर परमिशन आप कोई भी दोस्तों मेडिसिन इस्तेमाल मत कीजिएगा। आइए दोस्तों ये जो सॉल्ट है फेवरेटेक्स, इसके सॉल्ट का क्या यूज है, मतलब इसका यूज किस किस पर्पज से हम लोग कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों ये जो फेवरेटेक्स टच है जैसे ये 40 mg मिलता है तो ये की सॉल्ट है और इसका mg भी दोस्तों 40 mg है। तो इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, ज्यादातर क्या है दोस्तों हम लोगों का बॉडी में दोस्तों अगर या रक्त में आपका अगर यूरिक एसिड का प्रभाव, यूरिक एसिड आप ज्यादा हो जाता है दोस्तों, उस सब क्षेत्र में आप इस फेवरिक 40 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा डीप दोस्तों जानते हैं यूरिक एसिड है क्या। दोस्तों ये जो यूरिक एसिड है ये आपकी रक्त कणिका में दोस्तों यूरिक का परिमाण अगर ज्यादा हो जाता है उस सब क्षेत्र में क्या होगा दोस्तों, आपकी पैरों की घुटनों की दर्द हो सकता है या आपकी पैरों के नीचे में दोस्तों आपको दर्द हो सकता है या आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में दोस्तों आपका दर्द का महसूस हो सकता है। सुबह आप नींद से खड़ा होते हैं तो आपके पैर में दर्द होता है दोस्तों, दर्द के साथ साथ आप इतना दर्द होता है दोस्तों आप चल भी नहीं पाते, 2-4 कदम या 10 मिनट दोस्तों आप सही से वॉक करने के बाद आपका जो दर्द है दोस्तों अपने आप वो खत्म हो जाता है। इसको दोस्तों ये है यूरिक एसिड बढ़ जाने का दोस्तों लक्षण है। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होता है दोस्तों आप घुटनों में दर्द होगा या पैरों में दर्द होगा, आपकी बॉडी में किसी भी जॉइंट में दोस्तों आपको दर्द का महसूस हो सकता है। तो उस सब क्षेत्र में दोस्तों आप जो यूरिक एसिड सही नहीं कर पाते तो आपका ये दर्द खत्म नहीं होगा, जितना भी दवाई खा लीजिए दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको यूरिक एसिड का जो लेवल है दोस्तों वो आपको ब्लड में सही जगह पे दोस्तों लाना है, उसके लिए दोस्तों आप इस फेवरेट 40 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या करता है दोस्तों, जब भी आपकी यूरिक एसिड ज्यादा होता है उस टाइम आपको ये फेवरेट 40 टैबलेट का इस्तेमाल करने का सलाह दे सकता है। आपका मान लीजिए आपका यूरिक एसिड का परिमाण ज्यादा हो गया उस सब क्षेत्र में दोस्तों आपको ये 40 है दोस्तों इसमें 80 mg मतलब 80 mg के दोस्तों मार्केट में मिलता है उसको भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है आपकी यूरिक एसिड का लेवल देख के दोस्तों इसका डोज होता है। दोस्तों आइए दोस्तों इसका टैबलेट कैसे दिखता है उसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों इसमें एक स्ट्रिप में आप लोगों को 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप में मिलता है, तो एक स्ट्रिप का प्राइस 107 रुपये है दोस्तों, तो सस्ता भी है और इसका फायदा भी दोस्तों एकदम एक्सलेंट है और इसका वर्क एकदम एक्सलेंट है। आप अपनी यूरिक एसिड ज्यादा हो जाने के कारण में दोस्तों आप इस फेवरिक 40 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट का इस डोज क्या क्या लेना चाहिए, मतलब डोज कितना लेना चाहिए, अगर आपकी यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो गया दोस्तों उस सब क्षेत्रों में क्या होता है, दिन में 2 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट और रात को 1 टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपकी यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा नहीं है तो उस टाइम दोस्तों 1 टैबलेट रोजाना आफ्टर फूड नाइट को दोस्तों रात को 1 टैबलेट आप ले सकते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ज्यादातर कोई भी साइड इफेक्ट तो दिखाई नहीं देता, कभी कभी क्या होता है आपकी अगर ओवरडोज दोस्तों ले रहते हैं उस सब क्षेत्रों में दोस्तों आपकी प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा, डॉक्टर साहब का डोज का हिसाब से आपको इसका डोज लेना चाहिए। दोस्तों यूरिक एसिड जितना होगा उसके हिसाब से इसका डोज दोस्तों बनता है। दोस्तों ये बच्चे के लिए नहीं है, ओनली फॉर एडल्ट के लिए है, बच्चे से दूर रखिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों सबको शुक्रिया है और इस मेडलैब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।